अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज मैं लेकर आई हूँ पंजाबी छोले की रेसिपी, जो कि बहुत ही चटपटी होती है और बहुत ही टेस्टी भी। तो आप चटकारे लेकर खाएंगे, उंगलियां चाटने पे भी मजबूर हो जाएंगे। तो वीडियो को हमेशा की तरह लास्ट तक एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बॉयल किया हुआ छोले लिया है, 5 घंटे पहले भिगो कर रखा था और उसके बाद इसको अच्छे से बॉयल कर लिया है। देख सकते हैं हाथों से भी ये मैश हो रहा है। तो बस इसको साइड कर देना है और गैस का फ्लेम ऑन करके एक पैन रख देंगे। अब इसमें रोस्ट करना है मसाले। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच डाल रही हूँ धनिया, जो कि कोरिएंडर सीड्स है, और फिर मैंने 1 छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची और 1 चम्मच मैंने जीरा डाला है। आप चाहे तो यहाँ पे लाल कश्मीरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, पर हमारे पास नहीं है इसलिए मैं पाउडर का यूज़ करूँगी। और जो है इसको आप इसी तरीके से रोस्ट कीजिए 1 मिनट के लिए। और यहाँ पे छोटी इलायची डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़ी इलायची में इतना पावरफुल इसका फ्लेवर होता है कि छोटी इलायची की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसको रोस्ट करना है 1 से 2 मिनट के लिए और फिर ठंडा करके इसका पाउडर बना लीजिए। अब वापस से दूसरा पैन रख देना है और इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल, ये सरसों का तेल है। और ये जब अच्छे से गर्म हो जाए, जब इसमें 2 मैंने लाल सूखी मिर्च डाला है और 1 मैंने प्याज को, बड़े साइज़ के प्याज को मैंने इस तरीके से चॉप करके इसमें डाल दिया है, इसको भी बस 10 से 15 सेकेंड के लिए इसको रोस्ट करेंगे। इस तरीके से भुनना है ताकि इसका थोड़ा सा सॉफ्टपन आ जाए। और उसके बाद देखिए, मैंने 1 टीस्पून जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, अच्छे से इसमें डाल दीजिए। और डालने के बाद इस तरीके से आप इसको थोड़ी सी भूनें और उसके बाद इसको कवर करके मैं इसको पकने दूंगी, ताकि जितने भी इसका कच्चा फ्लेवर है लहसुन अदरक का वो अच्छे से निकल जाए। और फिर देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है, यानी कि ब्राउन कलर हो चुका है। तब इसमें डालेंगे 2 मैंने टमाटर को इस तरीके से चॉप कर लिया, आप चाहे तो प्यूरी भी बनाकर डाल सकते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने डाल दिया है चॉप करके, और फिर जो है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी कवर करके पकने देंगे ताकि टमाटर भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और फिर देखिए, मैंने इस तरीके से इसका लिड हटाया है और यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है। अच्छे से इसको भी मिक्स करेंगे और मसाले को आप कवर करके जितना पकाएंगे ना, इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। बस इसको कवर कर देना है और फिर जो है इसको पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इसमें मसाले भी कुक हो चुके हैं। अब इसमें मेन जो मसाले मैंने इसका पाउडर बना के रखा था, जो धनिया का जो मैंने रोस्ट किया था, तो इस तरीके से इस मसाले को आप डाल दीजिए। पंजाबी जो छोले बनते हैं ना, मसाले का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है। मैं पहले भी बताई थी, अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो आप जिस टाइम धनिया रोस्ट कर रहे थे उस टाइम डालकर उसको भी रोस्ट कर सकते हैं साथ में। तो बस इस मसाले को अच्छे से इसमें भून लेना है 1 मिनट के लिए और फिर जो है बॉयल किया हुआ छोले डाल देंगे। और फिर जो है यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों से मैश करते हुए, क्रश करते हुए इसमें डाल देना है और फिर जो है अच्छे से इसको मिक्स करेंगे मसाले में। छोले को बहुत ही अच्छे से मिक्स कीजिए और जो चम्मच है इससे प्रेस करते हुए छोले पे प्रेस कीजिए, ताकि कोई कोई जो छोले जो है ना वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, मतलब चूर हो जाएंगे, तो इसमें जो एक ग्रेवी का रूप लेगा बहुत ही थिकनेस, अब बहुत ही टेस्टी होगा। छोले और मसाले में कंबाइन होकर इसका बहुत ही अच्छा थिकनेस भी आएगा और टेस्ट तो बढ़ता ही है। तो बस अच्छे से थोड़ी सी इसको मिक्स कर दे अच्छे से। और फिर जो है मैं यहाँ पे 1 कप मतलब 1 कप जो है पानी डाल रही हूँ, और फिर डालने के बाद जो अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए फिर से। और फिर जो है इसी तरीके से मिक्स करेंगे और फ्लेम को मैं रखी हूँ हाई, और हाई फ्लेम पे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इमली। इमली को मैंने पहले ही 5 से 6 बीज को आप इस तरीके से डाल दें और फिर जो है अच्छे से फुला लीजिए पानी थोड़ा सा डालकर, और जब ये फूल जाए तो इसके जो है ना अच्छे से मैश करते हुए इसके पानी को डाल देना है, यानी कि इसको फूलने के बाद जो है ना इसके पल्प को बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और इसका जो जूस है वो डाल देना है। डालने के बाद अच्छे से मिक्स कीजिए, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास इमली नहीं हो तो आप अनारदाने के पाउडर को भी डाल सकते हैं। तो बस हमारे छोले जो है इस तरीके से पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे 2 हरी मिर्च को इस तरीके से काट के डाला है, थोड़ी सी हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे, 2 मिनट के लिए ढककर इसको छोड़ देना है। अब इसको सर्व करेंगे। देख सकते हैं कितना मज़े का ये छोले बहुत ही टेस्टी वाला बनकर रेडी हो चुका है। आप एक बार ज़रूर इस छोले को यूज़ कीजिए और बनाइए अपने घर पर, और उसके बाद देखिए कितना डिफरेंट आता है ये जो मसाले के साथ जो कम्बाइन होकर छोले बनता है ना, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है। मैं इसको खा रही हूँ
कुलचे के साथ, आप चाहे तो इसको रोटी के साथ, चावल के साथ भी, नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और ये लजीज वाला छोले आपको बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हो चुका है, इंजॉय कीजिए। और रेसिपी मेरी पसंद आती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट में भी बताइएगा कि कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।